आरएसएस और हिंदुत्व से नफरत करने वाला इमरान खान आज क्यों कर रहा है भारत की प्रशंसा? मोदी के आगे क्यों नतमस्तक हुआ इमरान? मोदी को नाजी बताने वाला इमरान आज क्यों चाट रहा है भारत के तलवे? हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानने वाला इमरान आज क्यों बांध रहा है तारीफों के पुल? मरियम को क्यों याद आए अटल बिहारी वाजपेयी? पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते रहे, लेकिन अचानक से इमरान खान भारत की विदेश नीति के इतने बड़े प्रशंसक कैसे बन गए, शायद यह किसी ने सोचा नहीं था। ऐसा इसलिए तो नहीं कि इमरान खान द्वारा आरएसएस और हिंदुत्व पर निशाना साधने पीएम मोदी को नाजी बोलने वाले घाव अब भर जाएंगे। हालांकि सत्ता गंवाने के बाद इमरान को अक्ल आ गई है और अब लगातार हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले इस्लामाबाद की जनता को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान की तारीफों के पुल बांधे थे, जो कि पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ को इमरान खान के मुंह से हिंदुस्तान की तारीफ सुनना बिल्कुल भी रास नहीं आया और अपनी जुबान खोल सोशल मीडिया के सहारे गरियाते हुए कहा कि कुर्सी जाते देख पागल हुए इमरान खान को कोई बताए कि उन्हें उन्हीं की पार्टी के द्वारा हटाया जा रहा है। आगे ये भी कहा कि इमरान खान को भारत इतना ही पसंद है तो वो पाकिस्तान छोड़कर भारत ही चले जाएं। इतना ही नहीं, मरियम ने यह भी कहा कि भारत की तारीफ करने वाले को यह भी पता होना चाहिए कि भारत के अलग अलग प्रधानमंत्रियों के खिलाफ 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन किसी ने संविधान, लोकतंत्र और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। याद हो कि अटल बिहारी वाजपेयी 1 वोट से हार कर घर चले गए थे, लेकिन उन्होंने देश और संविधान को गिरवी नहीं रखा। आपको बता दें कि इमरान खान द्वारा हाल ही में दिए गए भाषण में कहा था कि अमेरिका या किसी अन्य सुपर पावर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत को बताए कि रूस के लिए उनकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इमरान खान ने भारत की जनता को खुद्दार भी बोला था।